क्या इतिकाफ गैर रमजान में भी किया जा सकता है? और कितना 10 दिन से कम का भी इतिकाफ किया जा सकता है क्या? यानी एक दिन का या कुछ घंटों का भी किया जा सकता है क्या, ये हाँ पूछना है। जी, दो सवाल है आपका कि क्या एतिकाफ गैर रमजान में भी किया जा सकता है या नहीं। बिल्कुल, एतिकाफ एक इबादत है और दुनिया और दुनिया के कामों को छोड़ करके अलग थलग किसी जगह पर बैठ जाना फकत अल्लाह की इबादत के लिए, बाकी सारी मशगूलियात को पीछे छोड़ देना, इसी का नाम एतिकाफ है। और एतिकाफ, एक बात याद रखें कि एतिकाफ सिर्फ मस्जिद में हो सकती है, एतिकाफ सिर्फ मस्जिद में हो सकती है, मस्जिद के अलावा कहीं और एतिकाफ नहीं हो सकती है। तो रमजान के अलावा भी आप कभी भी एतिकाफ कर सकती हैं। रमजान के आखिरी अशरे में एतिकाफ की ज्यादा फजीलत है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि रमजान के दूसरे हिस्सों में या रमजान के अलावा महीनों में आप एतिकाफ नहीं कर सकते, इसका ये मतलब नहीं है। आप साल के किसी किसी भी अय्याम में एतिकाफ कर सकती हैं, बस एतिकाफ मस्जिद के अंदर होना चाहिए। और औरत की एतिकाफ के लिए ये भी शर्त है कि उसके शौहर की इजाजत का होना जरूरी है, और इसी तरह से जहां पर वो एतिकाफ कर रही है वहां पर पर्दे वगैरह का एहतमाम हो, किसी तरह की बेपर्दगी और किसी फितने वगैरह का खौफ ना हो। तो साल के किसी भी अय्याम में आप एतकाफ कर सकती हैं। दूसरा सवाल आपका है कि एतकाफ की जो मुद्दत है वो कितनी होनी चाहिए। एतकाफ की मुद्दत की कोई तहदीद नहीं है। एक सहाबी है, गालिबन अबू मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु है, गालिबन उनका बयान है कि हम मस्जिद में चंद घड़ी के लिए बैठते थे और हमारी नीयत एतिकाफ की होती थी। हालांकि ये मसला इख्तलाफी है, लेकिन जब सहाबा का असर वारिद हो गया इस बाब में तो इख्तलाफ खत्म हो जाना चाहिए। तो एतिकाफ की कोई मुद्दत की तहदीद नहीं है, आप जितने जितने वक्त चाहें, यानी जिसको एतिकाफ कहा जाता हो, जिसको मोतकिफ होना कहा जाता हो, उतनी घड़ी या उतने उतने वक्त आप एतिकाफ कर सकती हैं, उसकी मुद्दत की कोई तहदीद नहीं है। जी भाई, एक और सवाल पूछना था, पूछ सकती हूँ क्या? किससे रिलेटेड है? इसी से रिलेटेड है, नहीं, दूसरा सवाल है बताएं। जी, एक हदीस के बारे में पूछना था कि एक हदीस का मफहूम है ना, अल्लाह ताला की कदा और कदर के बाद मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा मरने वालों की तादाद नजरे बद से होगी, तो इसकी थोड़ा तशरीह चाहिए था। अगर ये हदीस तो सही है ना, और जी, इसकी थोड़ा तशरीह करेंगे तो। इसकी तशरीह ये है कि जो नजरे बद है वो हक है। हक है मतलब यानी वाकई है, ये कोई ख्याली चीज नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये कि नजरे बद हक है यानी वाकई है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई तसव्वुराती चीज है, हवा हवाई बात नहीं है। नजरे बद वाकई होती है, नजरे बद लगती है। तो सबसे पहली बात तो ये, दूसरी बात ये कि नजरे बद कसरत के साथ लगती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से ये भी पता चलता है कि नजरे बद कसरत से लगती है, और कई दफा ऐसा होता है कि इंसान बीमार हो जाता है, उसे कोई बीमारी होती है, बीमारी का इलाज करा रहा होता है, और जो है अच्छे से अच्छा इलाज करवाने के बावजूद भी उसको शिफा याबी नहीं मिलती है, क्योंकि उसको नजरे बद लगी हुई होती है। तो आप जो दुनियावी इलाज है वो इलाज भी करें, उसके साथ साथ नजरे बद का जो शरई तरीका बताया गया है उसके इलाज का, वो तरीका भी अपनाएं। रुकिया शरिया पढ़ना, या जो है सुबह शाम के अजकार पढ़ना, ज्यादा से ज्यादा इबादत करना, दुआएं करना, ये सारे जो तरीके हैं वो तरीके भी इंसान को अपनाने चाहिए। तो दो अहम बातें इस हदीस में हैं, एक तो ये कि नजरे बद हकीकत में लगती है, दूसरी ये कि कसरत के साथ लगती है। और नजरे बद इतनी खतरनाक चीज होती है, एक हदीस के अंदर है कि नजरे बद इंसान को कब्र में पहुंचा सकती है, यानी उससे मौत भी वाकई हो सकती है नजरे बद से। तो नजरे बद से आदमी को बचना चाहिए।
पहली बात तो ये कि इंसान को वो दुआएं वो अज़कार पढ़ते रहना चाहिए जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखलाई है, जिससे कि हमारी हिफाजत होती है नजरे बद से, जादू टोना से और बहुत सारे परेशानियों से, जिससे हमारी हिफाजत होती है। उन दुआओं को हमें पढ़ना चाहिए। सुबह शाम के अज़कार हैं, नमाज के बाद के अज़कार हैं, मुख्तलिफ औकात के अज़कार हैं, वो अज़कार हमें पढ़ते रहना चाहिए। घर से निकलने के अज़कार हैं, अगर आप घर से वो घर से निकलने की दुआ पढ़ करके अगर आप निकल रही हैं तो इंशाअल्लाह आपकी हिफाजत होगी इस तरह की परेशानियों से, एक बात। दूसरी बात ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है कि जब हम अपने भाई के अंदर कोई ऐसी चीज देखें जो हमें अच्छी लगे, पसंद आ जाए, फलयदउ लहू बिल बरका, तो उसके लिए बरकत की दुआ करें। क्योंकि नजर की दो किस्में होती हैं, एक होती है ऐनुल हसद और एक होती है ऐनुल उज्ब। एक होती है ऐनुल एजाब, एक ऐनुल हसद। ऐनुल हसद का मतलब किसी के पास हमने कोई अच्छी चीज देखी तो हम हसद करने लगे। जब हम हसद करेंगे तो हमारी नजर उसको लग सकती है। इसी तरह हम किसी के पास हमने कोई चीज देखा, हमें वो चीज बड़ी अच्छी लगी, हमें हसद तो नहीं हो रहा है लेकिन वो चीज हमें बड़ी अच्छी लगी, बहुत खूबसूरत और बहुत भली लगी, ऐसी सूरत में भी हमारी नजर उसको लग सकती है। तो जब हम ऐसी कोई चीज देखें तो अपने भाई के लिए बरकत की दुआ करें। यहां पर एक बात मैं बताऊंगा जिसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं। जब हम अपने भाई के अंदर कोई अच्छी चीज देखें, किसी मान लीजिए उसकी शक्ल सूरत हमें खूबसूरत लगी, उसका कपड़ा अच्छा लगा या उसकी और कोई चीज हमें अच्छी लगी, तो बहुत सारे लोग कहते हैं माशाल्लाह। सिर्फ माशाल्लाह कहना ये काफी नहीं है, बल्कि असल ये है कि फलयदउ लहू बिल बरका, हमको बरकत की दुआ करनी है। आप कहें बारकल्लाहु फीक या जो भी सेगा आप इस्तेमाल करें बरकत की दुआ करने के लिए, तो असल ये है कि हमें बरकत की दुआ देनी है उसको। साथ में अगर आप माशाअल्लाह भी कहते हैं कोई हरज की बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन अगर सिर्फ आप माशाअल्लाह पर इक्तिफा करते हैं तो उस हदीस पर अमल नहीं होती है। इसलिए अगर आप माशाअल्लाह कह रहे हैं तो उसके साथ में जरूर भी जरूर आप बारकल्लाहु फीक या तबारकल्ला इस तरह का कोई सेगा इस्तेमाल करें जिसमें की बरकत की दुआ है। तो एक तो आदमी अपने आप को नजरे बद से खुद बचाए जिक्र अज़कार पढ़ करके, दूसरा ये कि जो आदमी जिसको लगता हो कि मेरी नजर किसी को ना लग जाए तो वो जब उसे देखे तो बरकत की दुआ करे, ये नजरे बद से बचने का दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, अगर अल्लाह ना करे किसी को नजरे बद लग गई और उसे पता चल जाए या शक हो जाए कि फला आदमी की नजरे बद लगी है, तो उससे मुतालबा करे कि वजू करके या गुसल करके वो पानी दे दे, अपना बचा हुआ पानी जिससे कि उसने वजू किया है या गुसल किया है, फिर उस पानी को जो जो मायून शख्स है जिसको नजर लगी है उसको उसे नहला दिया जाए। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में है, एक सहाबी को नजर लगी तो आपने वो पानी तलब करके उसे नहलवाया उसको, तो नजरे बद के इलाज का एक तरीका ये है। तो देखिए नजरे बद तो हक है लेकिन उसके इलाज के मुख्तलिफ तरीके हमारी शरीयत ने बता दिए हैं उससे बचने के। पहली बात तो उससे बचने का तरीका बताया है, दूसरी बात अगर लग जाए तो उसको भी खत्म करने का तरीका बताया गया है। तो इन तमाम तरीकों पर हमें अमल करना चाहिए, ये बात को मानते हुए कि नजरे बद लगती है और कसरत के साथ लगती है। तो इसलिए हमें इससे बचने के तमाम तदाबीर जो शरीयत ने बताए हैं वो हमें इख्तियार करने चाहिए।